जय हिंद, वंदे मातरम। 9 बज चुका है और हम वही अपना शुरू करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी और बैंक रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं अपना मैथ का परसेंटेज आज पार्ट आगे शुरू करेंगे। और परसेंटेज में आज के क्वेश्चन कराने से पहले जो कल हमारे 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, पहले उसको हम करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रा देखिए, आज का जो 61 क्वेश्चन था जो मैंने कल होमवर्क में दिया था, पहले उसको करेंगे। ए और बी की आय का योग कितना है? 1,65,000। ए और बी की आय का योग कितना है? 1,65,000। ए अपनी आय का 70% खर्च करता है और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है, ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है, तो उनकी आय में कितना अंतर होगा? क्लियर है? चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्या बोल रहा है? ए और बी की आय का योग 1,65,000 है, यानी जब ए की आय और बी की आय को जोड़ देंगे, तब हमारा कितना आएगा जरा बताएं? 1,65,000। तो देखो ये रहा ए और ये रहा बी, और दोनों की आय को जब जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 1,65,000 आता है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है। ए अपनी आय का 70% खर्च कर देता है और बी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, तो ठीक है। तो आप जरा मुझे बताएं, अगर ए अपनी आय का 70% खर्च कर देता है तो उसके पास बचा कितना? 30। तो ए गुणे 30, अब बटे में कितना? 100। 30% बचा, तो ए गुणे 30 बटे में 100। अच्छा, बी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है तो बचा कितना उसके पास? 20%। तो बी गुणा 20 बटे 100। अब बीच में कर देंगे क्या? बराबर देखिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है। जो ए की जो बचत है वह बी की तुलना में, बी का कितना अधिक है? 25%। बी का कितना है? 25%। देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे बच्चे नहीं कर पाते कि जो 25% जोड़ना है वो किस पक्ष में जोड़ना है, ए के पक्ष में जोड़ना है कि बी के पक्ष में जोड़ना है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कैसे उसको टैकल करेंगे, क्या बोल रहा है? ए की जो बचत है वह बी की तुलना में 25% ज़्यादा है। बी की जो भी बचत होगी उससे 25% ज़्यादा है। कभी भी परसेंटेज ज़्यादा होता है तो 100 से जोड़ते हैं, यहाँ 25% ज़्यादा है तो 100 से जोड़ेगी 125 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए फिर से क्या बोल रहा है। ए की बचत बी की तुलना में 25% ज़्यादा है, यानी बी की जो भी बचत आएगी उससे ए कितना ज़्यादा है? 125। तो बी में गुणा कर दो, 125 बटे 100 गुणा कर दो। अब देखो यहाँ जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से एक जीरो कट गया, अब काटो इसको। 25 पंचे 125 और 25 चौक 100, तो हमारे पास कितना बन गया? ए गुणा 3। मुझे लग रहा है कि अभी आप लोग समझ नहीं पाए, इसको मैं दोबारा करा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि रिलेशन ऐसा है। जरा देखिए क्या बोला है। ए और बी की आय का योग कितना है? 1,65,000। तो ए की आय और बी की आय जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1,65,000। फिर आता है यहाँ पे ए अपनी आय का 70% खर्च करता है तो बचता कितना है उसके पास? 30%। तो ए गुणे 30% यानी 30 बटे 100। फिर क्या बोल रहा है? ए की बचत बी की बचत की तुलना में 25% ज़्यादा है, ठीक है। ए की जो बचत है वह बी की बचत से 25% ज़्यादा है, यानी जो बी की बचत होगी उससे 25% ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए गुणे 30 बटे 100 बराबर में बी की बचत कितनी है? बी 80% खर्च करता है, बचाता कितना है? 20। तो बी गुणे 20 बटे 100 और ए उससे कितना ज़्यादा है बताइए? 125% ज़्यादा है, यानी 125 बटे 100। अब देखो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 25 पंचे 125, 25 चौक 100। अब देखो 2 है ना और ये 4 है, 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, तो कितना है देखो हमारे पास? ए गुणा 3 अब बराबर में बी गुणे 5, ठीक है, अब बटे में कितना? 2। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए,
बी कहाँ जाएगा? नीचे। बी कहाँ जाएगा? नीचे। तो ए अब बटे में बी बराबर में 5 बटे में 6। ए का मान कितना आ गया? 5। बी का मान कितना आ गया? 6। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, तो उनकी आय में अंतर कितना होगा, उनकी आय में अंतर कितना होगा। क्लियर है? अब जरा देखिए, ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी कितना है? 5:6। एक अनुपात 5 है, बी का अनुपात 6 है, टोटल अनुपात कितना है? 11। अच्छा, किसी एक का निकाल लेते हैं आय, ए का आय निकाल लेते हैं। ए का अनुपात कितना है? 5। टोटल अनुपात कितना है? 11। टोटल कितना है योग? 1,65,000। अब देखो काटेंगे, 11 एकम 11, 16 में से 11 का कितना बचे? 5। 5 उधर जुड़ेगा, 55 बना दे, 11 55 यानी कितना? 15,000। ठीक है, 15,000। अब 15,000 × 5 होगा तो कितना आ जाएगा? 75,000। यानी ए की आय कितनी आ गई? 75,000। अब ए की आय 75,000 आ गई तो बी की कितनी होगी? अरे दोनों का योग कितना है? 1,65,000। इसमें से 75,000 माइनस कर दो, 0 0 0। अब 5 5 ये भी कटा 0, 16 में 7 गया कितना? 9। ए की होगी 75,000, ए की आय कितनी आ गई? 75,000। तो बी की कितनी होगी? 90,000। अब बोल रहा है कि इसका हमें क्या करना है? अंतर निकालना है। इसका हमें कितना निकालना है? अंतर निकालना है। तो 90,000 और 75,000 में अंतर कितना होगा? 15,000 का। कितना होगा? 15,000 का। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार इसको वीडियो पीछे करके जरूर देख लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? यहाँ पर आप फंसेंगे, ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है। ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है। यहाँ पर रिलेशन बनाना सीखिए। देखिए, ए की बचत कितनी थी? 30% बराबर में बी की बचत कितनी थी? 20%। लेकिन बी की बचत का कितना था? 25% अधिक था ना। कौन? ए। तो बी की बचत अगुणे 125/100, बस काटा पीटा, ए और बी का मान निकाल लिया, आंसर लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है? ए की आय बी से 40% अधिक है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की जो आय है वह बी की आय से 40% अधिक है। ए की तुलना कर रहा है बी से। कितने लोग हैं यहाँ पे? 2 लोग, ए और बी। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। बी की आय कितनी है? 100। तो ए की आय कितनी होगी? 140। सीधी सी बात है, इससे कितना अधिक है? 40% अधिक है। तो जिससे तुलना की जाती है उसको 100 मानना होता है। बी को हमने मान लिया क्या? 100। अब बी को अगर हमने 100 माना है तो ए बी से 40% अधिक है, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा? अधिक, 140 हो जाएगा। ठीक है, 100 से 140% निकालेंगे, 140 आ गया। अब क्या बोल रहा है? ए की आय को 25% बढ़ाया गया। ए की आय कितनी है? 140। कितना बढ़ाया गया ए की आय को? 25%। बढ़ाने में क्या करते हैं? 100 जोड़ते हैं ना, तो कितना आएगा? 125 और बटे में कितना? 100 आ गया। और जो बी की आय है उसको 40% बढ़ाया गया। बी की आय कितनी है? 100। कितना बढ़ाया गया? 40। तो 40 हो जाएगा 140, अब बटे में कितना? 100। 0 0 कटा, बी की कितनी आय जाएगी? 140। अब देखो, 1 0 से 1 0 कटा, 5 से काटेंगे इसको, 5 2 9 10, 5 5 25 और 5 2 9 10, और 2 7 14, 25 7 कितना आ जाएगा? 175। अब ए की आय कितनी आ गई? ए की आय कितनी आ गई? 175। बढ़ने के बाद कितना? बढ़ने के बाद 25% बढ़ने के बाद 175 आ गई। अब बी की 40% बढ़ने के बाद कितनी आ गई? 140 आ गई। अब क्या बोल रहे, पढ़ो आगे। ए और बी की संयुक्त आय में क्या वृद्धि होगी? पहले इनकी संयुक्त आय कितनी थी? पहले इनकी संयुक्त आय कितनी थी? ए की 140 थी, बी की 100 थी, तो संयुक्त आय कितनी थी? 240। अब ए की कितनी आ गई है? 175। बी की कितनी आ गई है? 140। तो इनको प्लस करो, तो 175 और 140, 5 7 4 11 1 3 कितना आ गया? 315। संयुक्त तो कितनी आ गई? 315। पहले दोनों की संयुक्त कितनी थी? 240। अब कितनी हो गई? 315। कितने का अंतर है? तो 315 में से 240 माइनस करो, 5 11 में 4 गया 7, ठीक है, और 75। अभी कितना अंतर है? 75। ठीक है, 75। वो क्या बोल रहा है? ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत, कितनी वृद्धि हुई है भैया? 75% की वृद्धि हुई है। 75 की वृद्धि हुई है कितने में से? 240 में से। तो 240 गुणा कितना? 100। 1 0 से 1 0 कटा, क्लियर है। अब 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 12 बार में जाएगा, और 2 5 10, ये हो गया।
75 और गुणा 5 होगा, 75 और गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 की 5 दो, 5 सात 35 और 37, अब बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 12, 12 से भाग देंगे, चलो 12 से भाग देते हैं, 12 से भाग देते हैं, और 12 से अगर भाग देंगे तो 375 और बटे में 12, 12 तैं 36, 12 तैं 36, ठीक है, कितना जुड़ेगा यहाँ पे, कितना जुड़ेगा यहाँ पे, 7 में से 6 का कितना बचा, 1 और 5, 12 एकम 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 में से 12 3.0, 12 दुनाई 24, 31.2 है क्या कहीं, 31.25 कहीं नहीं है, यानी ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न करे जाते हैं, अगर आपको एग्जाम में ना आए तो एक बार देख लीजिएगा, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। रेशो लेना है, जब हमारे पास आय नहीं दिया होता है तो उस समय रेशो लेना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके धीरे देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन कराया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 क्वेश्चन करते हैं, 63 नंबर वाला। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, ठीक है, सुधा अपनी आय का क्या है, 15% बचाती है। फिर से देखना, कौन है सुधा, क्या नाम है इसका भैया, सुधा, सुधा की जो आय है, आय, ठीक है, कुछ खर्च भी करती होगी अगर बचा रही है तो, और ये रही बचत। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका खर्च 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्लियर है। चलिए अब जरा देखिए, अभी ध्यान से देखिए, आय मान लीजिए आय कितनी थी 100, आय कितनी थी 100, 100 में से कितना परसेंट बचाती थी, 100 मान लेते हैं उसकी आय कितनी है 100, और 100 में बचाती थी 15%, तो 15 क्या हो गई बचत, तो खर्च कितना हो गया होगा, 85 भाई, वो 15% बचा रही है मतलब 85 खर्च कर रही है ना, सुधा अपनी आय का 15% बचा रही है, अब वो अगर 15% बचा रही है तो मतलब 85 खर्च कर रही है, तो 85 उसका क्या हो गया, खर्च, 15 हो गया बचत। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि उसका खर्च 20% बढ़ जाता है, अभी उसका खर्च कितना है 85 गुणे 20% बढ़ रहा है ना, 20% का मतलब 120, तो 85 गुणे 120, अब बटे में कितना 100, 0 काटा और 2 छंग 12, 2 पंचे 10, अब 5 गुणा कटेगा, कटेगा कितनी बार में 17, 6 सत्ते 42, 2 4, 6 कम 6 102, अभी उसका खर्च कितना हो गया है भाई, 20% खर्च बढ़ने के बाद, व्यय बढ़ने के बाद उसका खर्च कितना हो गया 102। अच्छा बचत कितनी बढ़ जाती है 60%, पहले कितनी थी बचत 15 में कितना बढ़ रहा है 60, यानी कितना हो जाएगा 160, अब बटे में कितना 100, 0 कटा 2 अट्ठे और 2 5, 5 नहीं 15, 3 अट्ठे 24, यानी अब उसकी बचत कितनी हो गई है 24, बचत पहले 15 थी, 60% बढ़ने के बाद बचत कितनी हो गई है 24। अब देखो खर्च भी बढ़ गया है उसका, बचत भी बढ़ गई है, पहले खर्च उसका 85 था, बढ़ के कितना परसेंट 20% बढ़ के कितना हो गया 102, पहले खर्च था उसका 15 और 60% बढ़ के कितना हो गया, तो ये बताइए खर्च और अगर बचत को जोड़ देंगे तो आय ना आ जाएगी, तो उसका खर्च कितना है 102, अब बचत कितना है 24, तो कितना हुआ 2 4 6 और ये 2 1 26, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी 126। अब जरा बताइए, पहले आय थी 100, अब हो गई 126, कितना बढ़ा 26, ये 26 कितने में से बढ़ा है, पुराने वाले में से 100 में से, अब परसेंटेज निकालेंगे गुणा 100, 0 काटा कितना आ गया 26, यानी उत्तर क्या हो जाएगा 26। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, वीडियो को पीछे कर लीजिएगा अगर ना दिख रहा हो अच्छे से, समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कल फिर से बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पे, ये तो कल के क्वेश्चन थे 3, अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चंस को करते हैं, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
क्या बोल रहे जरा देखिए, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां 3:2 में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हों वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ रेशो दे रखा है, यहाँ पे रेशो दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है? प्रतिशत दे रखा है। बस इसी में हमें दूसरा प्रतिशत निकालना है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत के क्वेश्चन अब जो मैं क्लास लूँगा, प्रतिशत के बहुत तगड़े तगड़े और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से करिएगा, ठीक है? अब आपका असली उत्तर प्रदेश पुलिस का लेवल का चालू हुआ है, ठीक है? देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:2। भैया ये रहे यार लड़के, यहाँ पे ये रहे क्या लड़के, और ये है क्या है लड़कियाँ, ये रहा, इन दोनों का अनुपात कितना है? 3:2। इनका अनुपात कितना है? 3:2, ठीक है? अच्छा, कभी भी अनुपात अगर छोटा दिया जाता है ना तो 0 बढ़ा दो, 2 0 यहाँ भी बढ़ा दो, 2 0 यहाँ भी बढ़ा दो। हम 0 क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे नीचे जब 0 आएगा तो काटने में आसानी होती है, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे अभी 1 0 बढ़ाओ, चाहे 2 0 बढ़ाओ, चाहे 3 0 बढ़ाओ, चाहे ना भी बढ़ाओ तो भी आपका आंसर आएगा। अगर आप नहीं भी बढ़ाओगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन 0 हम इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि काटने में आसानी होती है, ठीक है? अगर हम 0 नहीं बढ़ाएंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, आएगा उतना ही, अंत में उतना ही आएगा, लेकिन 0 काट बढ़ाने में सहूलियत होती है। तो देखो, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:2। तो लड़के कितना था, देखिए लड़के कितने थे जरा बताइए, लड़के कितने थे? 3:2। अब 3:2 थे, दोनों तरफ हमने 2 0 बढ़ा दिए, तो अगर यहाँ 2 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0, ये समझ के कि लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं 300 और लड़कियाँ कितनी हैं 200, टोटल कितने हुए 500, ठीक है? कहीं भी 3 0 बढ़ा दोगे, 4 0 बढ़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, 20% लड़के और 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेने वाले हों, ठीक है? तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों के का क्या प्रतिशत होगा? आप जरा बताइए, लड़के कितने हैं 300, और 300 में से 20% लड़के छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो कितने परसेंट नहीं ले रहे? 80, तो गुणा कर दो क्या 80, अब बटे में कितना 100, देखो 0 0 कट गया ना, देखो 300 का आराम से 0 कट गया ना, कट गया, इसीलिए हमने क्या लिया था 100 बढ़ा दिए थे, 0 0 बढ़ा दिए थे। अब कितना 3 × 80 कितना 240, यानी 300 में से 240 छात्रवृत्ति नहीं ले रहे। अब आते हैं लड़कियों में, लड़कियों की संख्या कितनी है 200, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ले रही हैं तो कितनी नहीं ले रही हैं 70%, तो 200 का कितना हो जाएगा 70%, अब बटे में 100, देखो 0 0 कट गया, 2 × 7 = 14, यानी कितना हो गया 140, कितना हो गया 140, 240 लड़के नहीं छात्रवृत्ति ले रहे और 140 लड़कियां नहीं छात्रवृत्ति ले रही, तो कुल कितने हुए लड़का लड़की को मिला के 240 + 140 कितना हुआ 0 8 और 3 380, कितने 380। अब देखिए टोटल छात्र कितने थे 500, छात्रवृत्ति जो नहीं ले रहे वो कितने हैं 380, तो 380 छात्र हैं कितने में से 500 में से, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, 0 में से 0 कटे, अब 5 का भाग दे दो इसमें, 5 का भाग देंगे तो 5 × 7 = 35, 38 में से 35 गए कितना बचा 3, 3 उधर जुड़ेगा 30 बन जाएगा, अब 5 × 30 यानी 76%, कितना 76%, तो कितना आया आंसर हमारा डी, कितना आ गया 76%। ठीक है, सही है। अभी मैं एकदम से आगे नहीं बढ़ूंगा, इस क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इस क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तब जाके आगे बढ़ूंगा, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए, जरा इसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात सात अनुपाते चार है, ठीक है? यदि
यदि 25% लड़के, यदि 25% लड़के, ठीक है, 25% क्या है, लड़के, ठीक है, और 40% लड़कियां, यदि 25% लड़के और 40%, ये क्या हो गया इसको, ठीक है, तो मैं आपके प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन बना रहा हूं, जरा देखिए क्या है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, 7:4, और यदि लड़के, यदि 25% लड़के तथा 40% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, तो देखो अनुपात बनाइए, ये क्या है लड़के और ये अनुपाते किसके, लड़कियों के, लड़कियों के, तो लड़कों का अनुपात कितना है 7 और लड़कियों का, लड़के का अनुपात कितना है 7, लड़कियों का कितना है 4। अच्छा मैंने क्या बताया था, जब सिंगल सिंगल डिजिट हो तो 2 0 जोड़ दो, कोई दिक्कत क्या, लेकिन बराबर जोड़ोगे, अगर 2 यहाँ जोड़ रहे हो 2 वहाँ भी जोड़िए, आपने जोड़ दिया, अब देखिए क्या बोल रहा है, हम यहाँ से बोल सकते हैं लड़कों की संख्या कितनी है 700, लड़कियों की संख्या कितनी है 400, कुल छात्रों की संख्या कितनी है 1100। अब जरा देखिए आप क्या बोल रहा है, 25% लड़के, 25% लड़के छात्रवृत्ति पा रहे हैं, 25% लड़के छात्रवृत्ति पा रहे हैं, तो कितने नहीं पा रहे हैं बताइए, 75%, तो 700 का क्या 75% निकाल लेंगे, 2 0 2 0 काट दिया, 7 5 35 की 5 3 749 52, यानी 525 लोग छात्रवृत्ति नहीं पा रहे, 525 लड़के छात्रवृत्ति नहीं पा रहे। अब आते हैं लड़कियों में, लड़की की कुल संख्या कितनी है 400, 40% लड़कियां छात्रवृत्ति पा रही हैं, कितने नहीं पा रही हैं, कितने को नहीं मिलेगी 60%, तो 400 का कितना 60%, 0 0 0 से 0 कटा, 4 6 24, 240 लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो कुल छात्र कितने हुए, तो 525 लड़के और 240 लड़कियां, प्लस कर दीजिए, तो प्लस कर देते हैं, जरा देखिए इधर 525 और 240, 5 2 4 कितना हो गया 6 5 7, यानी टोटल 1100 बच्चों में से 765 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, 1100 छात्रों में से 765 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो इसको ऐसे करेंगे 765 अब बटे में कितना 1100 अगुणे कितना 100, 2 0 2 0 कटा, 765 बटे कितना आ गया 11, अब 765 का भाग दे दो 11 से, 765 का भाग दे दो 11 से, 11 6 66 0 1 5, 11 9 99, 15 में से 9 गए कितना बचा 6 और 9 में से 9 गया, अब क्या करेंगे 69 सही 6 बटे 11 परसेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, आए समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत, ओके। इस तरीके से ये प्रश्न करना है, ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे, और परसेंटेज की रीजनिंग की बहुत सारी सीरीज आएंगी सनराइज करियर एकेडमी के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा देखिए कैसे करेंगे इसको, दिया गया है, ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, दिया गया है ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% है, यदि ए बी सी की कुल आय का योग, कुल आय का योग कितना है 7,078,000, तो बी की आय कितनी होगी, तो बी की आय कितनी होगी, क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे ना, करोगे ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखिए, दिया गया है कि जो ए की आय है, ए की आय का कितना परसेंट 10%, बी की आय का 15% के बराबर है, ठीक है, ए की आय का 10%, बी की आय का 15% के बराबर है, और वो बराबर किसके है, सी की आय का 20%, जरा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, एक लाइन से सीरीज बनी हुई है, और एक लाइन सीरीज क्या बनी हुई है, ऐसे देखिए पढ़िएगा, ए की आय का 10% बराबर किसके है, बी की आय का 15%, फिर यहाँ पर बराबर लगा हुआ है किसकी, सी की आय का कितना 20%, ये लगा हुआ है, एक लाइन से लगा हुआ है, अब फिर उसके बाद पूछ रहा है कि अगर तीनों की आय अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आता है बताइए,
7800 आता है, 7800 आता, 78000 आता है, 78000 आता है, तो बी की आय क्या होगी? आप जैसे ऐसे लिखा है ना, समीकरण बनाइए, ए ए का मतलब क्या होता है, गुणा 10% का मतलब 10/100, फिर बराबर में बी बी का मतलब क्या होता है, गुणा 15% मतलब 15/100, फिर बराबर है सी सी का है, का सी का मतलब गुणा, अब गुणा कितना हो जाएगा, कितना परसेंट है भाई, सी किया गया कितना परसेंट है, 20% ना, 20% ना, तो कितना जाएगा, 20/100। अब देखो इसका बराबरी में है ना, तो 0-0 मत काटिएगा, बराबरी में है ना, 0-0 नहीं काटना है, नहीं तो अनुपात नहीं बन पाएगा। देखिए ऊपर नीचे काटिए बस, 0 से 0 काटा तो यहाँ पे कितना बचा, 1 × 1/10, ठीक है, 1 × 1/10 बराबर में बी गुणे 15/100 है ना, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 20 = 100, तो बी का अनुपात क्या बना, बी गुणे 3/20। अच्छा सी का क्या बना, 0-0 काटा, 2 × 1 = 2, 2 पंचे सी गुणे 1/5 ये बना। अब देखो अगर हमें ए और बी और सी की आय निकालनी है तो हमें इनका अनुपात पता होना चाहिए, पर ये तो तीनों बराबर में है, तो ए का क्या अनुपात होगा, बी का क्या अनुपात होगा, सी का क्या अनुपात होगा, ए का नंबर क्या है, 1/10 ना, 1/10 ना, तो ए का मान कितना होगा, 10, नंबर उल्टा हो जाएगा। अगर ए गुणे 1/10 है, अगर ए गुणे 1/10 है और ए का मान निकालना है, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान हो जाएगा 10, यानी इस संख्या को पलट देना है, ठीक है। बी बी का गुणे कितना है, 3/20, तो बी का मान कितना होगा, 20/3, ठीक है, उल्टा देना है। सी सी के गुणे में क्या है, 1/5, तो सी का अनुपात, सी का मान कितना होगा, उल्टा कर दो 5। ध्यान दीजिएगा कभी भी अगर आप ऐसी कंडीशन में पहुंचते हो, ऐसी कंडीशन में पहुंचते हो जहां पर ये क्या लिखा हुआ है, 1 × 1/10 बराबर में बी गुणे 3/20 बराबर में सी गुणे 1/5, और अगर हमें बी और ए और सी का मान निकालना है, अगर हमें ए और बी और सी की आय निकालनी है तो हमें अनुपात निकालना होगा, अनुपात हमें पता नहीं, तो देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे, 1 × 1/10 है ना, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ये 1/10 को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, 10, और फिर बी गुणे 3/20 है ना, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 20/3, फिर सी कितना है, सी गुणे 1/5 है ना, तो सी का मान कितना हो जाएगा, अब ये इनका रेशियो है, अब इनके साथ क्या जोड़ दीजिए, एक्स, क्या जोड़ दीजिए, एक्स, क्या जोड़ना है इसके साथ, एक्स जोड़ना है। अब एक्स क्यों जोड़ना है मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे, यहाँ से करते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, तीनों की आय का कुल योग, तीनों की आय का कुल योग कितना है, 78000, यानी अगर तीनों की आय जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 78000, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 78000 आएगा। ए का मान कितना है, 10x, और प्लस बी का मान कितना है, 20/3x, और सी का मान कितना है, 5x, तो कितना आना चाहिए, ये 78000 आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, लासा ले लीजिए इसका, ये सब में लासा कितना आएगा, 3 ही आएगा, देखिए 3 यहाँ बटे में 1 कीजिए, यहाँ बटे 1 कीजिए, 1 के पहाड़ी में 3 कितनी बार में, 3 बार में 3 × 10 होगा 30x प्लस, ठीक है, 3 के पहाड़ी में 3 एक बार ऊपर गुणा होगा 20x प्लस 1 के पहाड़ी में 3 3 बार 3 गुणा होगा 15x, ये आ गया। अब बराबर में कितना था, 78000। अब देखिए इन सब को जोड़ दीजिए कितना आएगा, 30 + 20 कितना, 30 + 20 कितना हो जाता है, 50 + 15 = 65, तो 65x/3 = 7800। अब देखिए x का मान निकालना है ना, 3 गुणा करना पड़ेगा, x बराबर में 78, ठीक है, और गुणे 3 और बटे में 65। अच्छा क्या ये 13 से कर सकता है, 13 से बताइए जरा, क्या ये 13 से कर सकता है, कर सकता है 3 से, देखिए 13 से कर सकता है, 13 × 65 और 13 छंग कितना होता है, 78, ठीक है। अभी और कर सकता है, ये 6000 हो जाएगा, देखो ये 6000 हो जाएगा, अभी और 5 से कटेगा, 5 से कितनी बार में कटेगा, 12 बार में, अब 12 × 3 कितना हो जाएगा, जरा बताइए 3600, 1200 × 3 कितना हो जाएगा, 3600। अभी देखिए अभी हमारा खाली x का मान निकला है 3600, अभी हमारा क्या है, खाली x का मान निकला है 3600, उसने पूछा है b की आय, अब b का रेशो कितना था, b का रेशो कितना था, बी का रेशियो था भैया 20/3 × x, x लगा है ना तो गुणा, और x का मान कितना आया है 3600, तो 20 × 3 और गुणा कितना है 3600, 3 × 3 3 × 6 = 1200, यानी कितना आ जाएगा 24000, कितना आ जाएगा 24000 है, 24000 ये राशि। अब आया है आपका असली उत्तर प्रदेश पुलिस का लेवल, ठीक है,
अब आया है उत्तर प्रदेश पुलिस का लेवल। इस पूरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ, इस पूरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिएगा कि हमने कैसे किया है। हमने पहले यहाँ पर सबका देखो अनुपात निकाला, अनुपात निकाला, ठीक है, यहाँ से एक नंबर पहले हमने इसका अनुपात निकाला, अनुपात निकालने के बाद इनका वास्तविक निकाला दो नंबर, और इसके बाद फिर हमने इनको जोड़ दिया तीन नंबर, तीन नंबर के बाद यहाँ पर हमने एक्स का मान निकाला चार नंबर, और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या किया, बी का मान निकाला पाँच नंबर। तो देखो जो मैंने किया हुआ है ना बोर्ड में, एकदम खिचड़ी मच गई, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो मैंने नंबर डाला है ना, एक नंबर, फिर इधर दो नंबर, फिर उधर तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, इस क्रम से कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को एक एक छोटी छोटी चीज़ एक्सप्लेन की गई है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, बाकी इतना बड़ा कोई है नहीं। 30 सेकंड 40 सेकंड में आराम से कर लोगे इसे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को बार बार देखिएगा और बार बार वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन से तो बच्चे ढेर हो जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी परिवार के चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय, क्या बोल रहा है, किसी परिवार के चावल मछली, अच्छा कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी हमारे पास, इसके बाद ओके एक मशीन का मूल्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे और करते हैं इसको, क्या बोल रहा है, किसी परिवार के चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12% 17% 12:17:3 के अनुपात में है, खर्च किया जा रहा है, ठीक है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने परसेंट वृद्धि होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है, किसी परिवार के चावल मछली खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय, व्यय का मतलब खर्च है, चावल पे कितना खर्च किया जा रहा है भाई 12 और मछली पे 17 और खाद्य पे 3, ये खर्च किया जा रहा है। फिर क्या बोल रहा है, इन वस्तुओं के मूल्य पे क्रमशः कितने परसेंट की वृद्धि होती है, भाई चावल के मूल्य पर 20% और चावल के मछली के मूल्य पे 30% और खाद्य के तेल में 50% की वृद्धि की जाती है, तो परिवार को इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितना वृद्धि होगी। तो चलिए क्वेश्चन लगाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन लगाइए और बहुत अच्छे से क्वेश्चन कीजिए। करते रहिए आप लोग, देखते रहिए, दिमाग लगाइए। इससे पहले मैं दो अनुपात वाले प्रश्न आप लोगों को करा चुका हूं, तो देखिए ये अनुपात वाले प्रश्न कैसे होंगे, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। जरा देखिए, किसी परिवार के चावल, ठीक है, तो हम यहाँ पे अनुपात बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, चावल, और यहाँ पे क्या है, मछली जल की रानी, ठीक है, अनुपाते, और यहाँ पे अनुपात किसका है, खाद्य, यहाँ पे अनुपात किसका है, खाद्य। चावल पे कितना है 12, अनुपात मछली पे कितना है 17, और ये अनुपात कितना है 3। अच्छा, चावल पे कितना खर्च कर रहे हैं हम, चावल पे कितना व्यय कर रहे हैं 12, और मछली पे कितना कर रहे हैं 17, और खाद्य पे कितना कर रहे हैं जरा बताएं 3। तो इसमें क्या जोड़ लेना है, x जोड़ लेना है, तो हमने x जोड़ दिया। अच्छा एक काम करो, इसमें ना जीरो भी लगा दो, इसमें जीरो लगा दो, सब में जीरो लगा दो, काटने में आसानी होगी। मैंने क्या बताया था, कभी भी अगर अनुपात आप लिख रहे हो तो उसमें जीरो जरूर लगाइएगा। जैसे 12 है तो क्या कर दीजिए 1200, ठीक है, अनुपाते 17 है तो कितना कर देना है 1700, और उसके बाद जरा देखिए क्या बोल रहा है, 3 है तो 300 कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या करना है, अभी ये पुराना खर्च है, चावल का खर्च का अनुपात कितना था 12, तो हमने कर दिया 1200, मछली का कितना था 17, तो हमने कर दिया 1700, और खाद्य का कितना था, खाद्य पदार्थ यानी खाद्य तेल का 3, तो हमने कर दिया 300।
अब बोल रहा है कि इनके वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20% 30% 50% की वृद्धि हो जाती है वस्तुओं के मूल्य पर। तो ये 1200 है ना, 1200 में कितने की वृद्धि होती है, 20, तो ये हो जाएगा कितना, 120। अच्छा ये टोटल कितना हो जाता है, 1200 1700 और 300। 1200 और 1700 कितना, 2900। 2900 प्लस 300 कितना, 3200। तो टोटल कितना है, 3200। अब क्या बोल रहा है, चावल, चावल में कितने की वृद्धि हुई है, 20%। तो पहले 1200 था, अब 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 120 बटे 100, 0 काटा, अब 12 × 12 कितना, 1440। यानी चावल अब कितने का मिलेगा, 1440। ठीक है, अब देखिए और करते हैं यहाँ पे। मछली कितनी थी पहले, 1700 थी, इसमें कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई है, 30%, तो हो जाएगा 130। 130 बटे में 100, 0 से 0 काटा, 17 करते हैं, इसको गुणा करते हैं, 17 51 5, 17 एकम 17 और 5 12, यानी कितना, ये कितने की मिलेगी, 2210। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खाद्य तेल था उसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है, 50। उसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है, 50%। तो पहले कितने का था, 300, अब 50% बढ़ गया यानी 150, और बटे में कितना, 100, 0 से 0 काटा, और 3 × 3 × 15 यानी 450 रुपये। आए समझ में, अब देखो बढ़ोतरी के बाद चावल 1440, मछली 2210 और खाद्य कितना हो गया, 450। तो टोटल कितना आया, इनको प्लस करना होगा, 1440 ठीक है, 2210 और 450। तो देखो 0 4 1 5 1 0 1 10 और यहाँ पे 4 4 8 और 2 10 कितना, 1 और 1 कितना, 41। कितना आ गया, 4100। अब देखो पहले हमारा कितना खर्च हो रहा था, पहले हमारा कितना खर्च हो रहा था, 3200, अब कितना खर्च हो रहा है, 4100। कितनी बढ़ोतरी हुई है खर्च में, 900। कितनी बढ़ोतरी हुई है, 900 बढ़ोतरी कितने में से हुई है, 3200 में से। तो 900 अब बटे में कितना, 3200 और गुणे कितना, 100। ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए ये कितना है, 900, 9 गुणा हो जाएगा 100, 900 अब बटे में कितना, 32। अच्छा क्या ये 4 से कट सकता है, 4 से नहीं कट सकता, 2 से काटने की कोशिश करो, वैसे मुझे लगता है 4 से कट जाएगा, 4 8 32 4 एकम 4। अब 9 में से 4 का कितना, 4 दुनाई 8 9 में से 8 कितना, 1 हो जुड़ेगा 10 बना देगा, 4 दुनाई 8, 4 5 20 यानी कितना, 225 बटे में 8। अब 225 का भाग दो, 225 का भाग दो 8 से, 8 दुनाई 16, 22 में से 16 गया, कितना बचा, 6 और ये 5, अब कितना करेंगे बताइए, 8 8 64 कितना आ गया, 1, 28 सही 1 बटे 8%। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा, डी, ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, जो भी अनुपात दिया होता है या तो उसको एक्स मान लो या तो इसको 00 लगा दो, आपका आंसर उतना ही आएगा। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, एक्स मानने से अच्छा है कि ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली 20 लगा दो या 10 लगा दो, काटने में सहूलियत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं लास्ट क्वेश्चन का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जरा देखिए क्या है। एक मशीन का क्रय मूल्य 200000 है, एक मशीन का क्रय मूल्य 200000 है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो तीन वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। एक मशीन का क्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपये। ठीक है, यानी अभी वो मशीन जो है, वो जो मशीन है, मशीन कितने की रुपए की है, 200000 रुपये की है, मशीन कितने रुपए की है, 200000 रुपये है, और 10% वार्षिक दर से इसकी कीमत क्या है, गिरती है, 10% वार्षिक दर से इसकी कीमत क्या है, गिरती है, तो 3 साल बाद क्या होगी। तो करो गुणा, पहले साल 10% गिरी तो कितना बची, 90/100। ठीक है, गुणा दूसरे साल फिर 10% गिरी तो कितना बचा, 90/100। तीसरे साल फिर 10% गिरी तो बचा कितना, 90/100। तो 90/100 करते जाइए। अब देखिए 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो ये हमने काट दिया, खाली क्या बचा, 2 × 90 × 90 × 9। अच्छा गुणा करो जरा, 9 9 81 81 × 9 729, 729 कितने जीरो, 2 0 कितने जीरो, 2 0। ठीक है, अब गुणा भी तो था, तो 2 गुणा कर दो, तो देखो 7 2 9 0 में 2 गुणा होगा, 2 0 0 2 9 18 की 8 1 2 2 9 4 1 5 2 7 14 यानी 145,800।
अवमूलन का मतलब समय क्या है, उसका गिरना, किसका गिरना, कीमत गिरना। भाई जब मशीन बाजार में आई नई नई तो उसकी कीमत थी 2 लाख रुपए और हर साल उसकी कीमत 10% गिर रही है। अब कितने साल तक गिरी, 3 साल तक। देखो जितनी बार आप गिराओगे ना अपने आप में 100% लेना है। पहले साल 10% गिरी तो 90/100 गुणा, दूसरे साल 10% गिरी तो 90/100, तीसरे साल गिरी 10% तो 90/100, बचा कितना, बचा जो बच रहा है। वो बोल रहे हैं ना 3 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा, भाई जो घट जाएगा मूल्य, घटने के बाद जो बचेगा वही तो रहेगा। तो 10% गया तो बचा कितना, 90। अब 3 साल के लिए बोला है 3 बार गुणा करो, अगर 2 साल के लिए बोलता 2 बार गुणा करता, 4 साल के लिए बोलता 4 साल के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर निकालिए। ये रहा आज का हमारा सेशन, कल फिर हम इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।